रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप सभी खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। बाद में बहन भाई जो देखने वाले हैं, अल्लाह ताला आप सबको अपने जुमान में रखे। इसने एक दुआ के साथ अपने व्लॉग का करते हैं आगाज, और व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे सब में रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और जो मेरे चैनल पर नए आने वाले बहन भाई, इनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हानि के पापा को 1 माह छुट्टी हुई है, तो ये अब छुट्टी नहीं करते, तो इतवार वाले दिन भी जो काम पे जाते होते हैं, आज इन्होंने छुट्टी की है। तो आज मैं बनाऊंगी बिरयानी, तो आज फिर बिरयानी बनाएंगे हम, क्योंकि बच्चे फिर गोश्त वाले चावल शौक से नहीं खाते। इनको मैं सादा आलू वाले बना देती हूँ या फिर चने वाले बना देती हूँ, लेकिन आज फिर गोश्त डालेंगे। तो अब वो गोश्त लेने गए हैं, तो मैं सफाई सुथराई मैंने सारी कर ली है। तो ये दाने हैं, तो हानि के पापा चक्की पे छोड़ के आएंगे ये, तो ये फिर 1 माह बाद करवाएंगे, क्योंकि तकरीबन 20 किलो या 25 किलो दाने हैं ये, तो हमारा 1 माह आसानी से निकल जाएगा। तो फिर वो दाने छोड़ के आएंगे, तो ये हमने नीचे ही रखे हुए हैं। पौधे मैंने ऊपर भी नहीं रखे, क्योंकि ये बिल्कुल छोटे पौधे हैं, तो इनको ना अभी धूप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा इधर भी धूप आती है, ये देख ले इधर थी धूप, अभी इधर पहुँच गई है। तो मैंने कहा थोड़े से बड़े हो जाए ना, तो फिर मैं छत पर ये गमले रखूँगी। मैं अब मैं चावल साफ करने लगी थी, तो और केबल हमने कल लगवा ली थी, क्यों डोरीमोन वाले कार्टून देखते होते हैं, तो फिर मैंने केबल कल लगवा ली थी। तो कल आए थे 2 आदमी, तो वो लगा के गए हैं, जिन्होंने पहले भी हमारे लगाई थी, और बिल शिल लेने आते हैं नेट का, तो वही कल आए थे, तो आके लगा के चले गए। तो अब मैं चावल साफ कर लूँ, क्योंकि उन्होंने गोश्त लेके आ जाना है, और टाइम हुआ 9:30 बजे का। तो ये ना स्टील के 2 गिलास मैं बनाती होती हूँ, तो ये हमने अब भी खा लेने हैं, और 1-2 प्लेट बच जाती हैं, तो वो फिर मैं रात को बच्चों को थोड़े थोड़े दे देती हूँ। अच्छा जी, ये टोटा चावल है, हालांकि इतना टोटा नहीं है, ये देख लें, इतना टोटा चावल नहीं है, इतने प्यारे लंबे लंबे चावल बनते हैं ये। और ये है साबुत चावल, तो मैं ये नहीं बनाऊंगी, हम यही बना लेंगे, क्योंकि फिर कोई मेहमान वगैरह आ जाए ना, तो फिर चलो उस दिन ये मैं चावल बना लेती हूँ, वैसे घर में हम यही यूज़ करते हैं। तो बहुत प्यारे लंबे लंबे चावल बनते हैं, इतना टूटा भी नहीं है। तो ये मैं रख दूँगी साइड पे। और चावल मैं साफ करूंगी, ये 2 हैं ये गिलास, ये चावल बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं, ये देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, कोई कंकर कोई कुछ भी नहीं है ना, साफ सुथरे होते हैं, फिर भी ना मैं एक नज़र ज़रूर देखती होती हूँ। चावल मैंने साफ़ कर लिए, तो रात मैंने बनाया था आलू का सालन, तो वो अब कढ़ाई में थोड़ा सा सालन है, तो वो मैं निकाल के ना कढ़ाई धो लूँगी सब चावल बनाने के लिए। मैंने ज़्यादा बर्तन नहीं निकाले, मुझे ना बर्तन किचन में बहुत ज़्यादा हो ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता किचन बिल्कुल भी, बस सादा सादा सा रखती हूँ मैं। और ना जो मेरा चूल्हा है ना, तो ये ना जरा नीचे से ना बर्तन काले करता है, और सालन बहुत मज़ेदार बना था, ये देखें आलूओं का इतना प्यारा जायका था ना, तो इन्होंने रात में ना चूरी करके खाई है। तो थोड़ा सा सालन है, ये ना मैं छोटे डब्बे में निकाल के ना फ्रिज में दोबारा रख दूंगी। और हानिया के पापा उनको लेने जा रहे हैं स्कूल से। किधर जा रहे हो है क्या अमुने, किधर जा रहे हो? पापा को स्कूल का बता देना किधर है। तो चावल मेरे बन गए हैं, और रायता भी मैंने बना लिया, सारी लाइट मैंने ऑफ की हुई है, क्योंकि मक्खियाँ बहुत आ रही हैं, और मक्खियों का मौसम है ये। और ये देखिए जी, हमारी बिरयानी हो गई तैयार। और पहले ना मैं चावलों में हल्दी नहीं डालती थी, लेकिन इस बार मैंने हल्दी डाली है।
और जग में पानी डालूंगी मैं, ठंडा कर लिया। इधर मैंने दोबारा बर्फ डाली है, तो बच्चे आ जाएं तो फिर डालती हूँ पानी और प्लेटें भी रखती हूँ। फिर अगर उनको ज्यादा भूख लगी हुई तो फिर पहले चावल खा लेंगे, फिर उनको नहलाऊंगी। अगर उन्होंने कहा कि नहीं हमने पहले नहाना है, तो फिर नहा के ना, तो फिर इनको चावल दूंगी। दांत टूट गया? हाय, हानिया का दांत टूट गया। इतनी दूर से मुझे बता रही है कि मम्मा मेरा दांत टूट गया। हानिया, चावल बनाए हैं मैंने बेटा। आदि, बोटियों वाले चावल है, बोटियों वाले। हानिया का स्कूल दांत टूट गया, तो वो दांत साथ लेके आई है। ओए, रिजल्ट आया? ट्रॉफी नहीं मिली? फर्स्ट पोजीशन आई है हानिया की, माशाल्लाह। ठीक है हानिया, हानिया का तुम्हारी थर्ड पोजीशन क्यों है? हाँ, देखो कोई बात नहीं, पहला पहला पेपर था इसका ना, इसने पहली दफा पेपर दिए है। हाँ जी बेटा, वो देखो आप ही का ना रिजल्ट आया है। हानिया आप ही का। अच्छा, ये है हादिया के पेपर हैं ये। हानिया के पेपर। अच्छा, हानिया के बाद में हानिया, हादिया ने कितनी प्यारी ड्राइंग की है। हादी, आपने खुद ड्राइंग की है? ये प्यारी है। अच्छा, ये देखें, ये हादिया का पेपर। चलो कोई नहीं, हादिया ने ना पहली दफा पेपर दिए कि भी, ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा पेपर किया है इसने। असल में ना इसके उन दिनों में दाने निकले हुए थे, तो ये स्कूल भी नहीं जा रही थी। ये देखिए कितना प्यारा पेपर है ये। हाँ बेटा, प्यारे हैं, प्यारे हैं पेपर। ये देखो सर ने पेपर भी साथ दिए हैं। हानिया की फर्स्ट पोजीशन आई है। चलो इधर हो जाए। और ये हादिया की थर्ड है। चले कोई नहीं, हानिया ने कितनी प्यारी ड्राइंग की हुई है, बहुत नीट होती थी मेरी। और ये देखे मेरे बेटे के कितने प्यारे पेपर है, बहुत अच्छे नंबर लिए। चलो हानिया, हादिया इधर आओ, इधर लेके आओ। चलो चलो, इस खुशी में ना चावल खाते हैं। ठीक है बेटा? हानी बेटा ठीक है? ये देखो, ये देखो हानिया के कितने ज्यादा दाने निकले हुए हैं। ऐसे ही ना हादिया के निकले हुए थे जब हादिया के पेपर हो रहे थे, तो इसी वजह से इसके पेपर ना इतने खास नहीं हुए, लेकिन कोई बात नहीं। हानी किधर जा रही हो? जूस पीने क्यों जा रहे हो आप लोग? आपके लिए अब लेके आएंगे ना। क्यों जा रहे हो? क्यों पीने? क्यों बताओ ना कि पोजीशन आई है इसलिए हम जूस पीने जा रहे हैं।